रांची पुलिस ने नशीले इंजेक्शन का कारोबार कर रहे एक युवक को दबोचा है। उसके कब्जे से 6 नशीले इंजेक्शन और 6 सीरिंज बरामद की गई है। आरोपी ने पूछताछ में बापूनगर के एक युवक से नशीले इंजेक्शन लेकर बेचने की जानकारी पुलिस को दी। रांची थाना क्षेत्र गौशाला के पास नशीले इंजेक्शन बेच रहे किशन होटल झंडा चौक निवासी ऋषभ मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 6 नशीले इंजेक्शन और 6 सीरिंज बरामद की गई। पूछताछ में ऋषभ ने पुलिस को बताया कि उसे बापूनगर का रहने वाला सूरज सोनकर 100 रुपए में नशीले इंजेक्शन सप्लाई करता था और ऋषभ 200 रुपए में इंजेक्शन बेचता था। इस आधार पर पुलिस ने सूरज सोनकर को भी प्रकरण में आरोपी बनाया है। कल हमको गुब्बी द्वारा सूचना मिली थी कि ऋषभ मिश्रा है, ये झंडा चौक का रहने वाला है, इसके द्वारा अवैध रूप से नशीले इंजेक्शन बेच रहा है, ऐसी सूचना मिली थी। उसको घेराबंदी करके पकड़ा गया। 6 सीसी और 6 सिरिंज उनके पास से जब्त किया गया है और धारा 328 और ड्रग एक्ट के तहत उसके खिलाफ प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया है। उससे जब पूछताछ किया गया तो उन्होंने बताया है कि सूरज सोनकर नाम का बापूनगर का आदमी है, वो उसको सप्लाई करता है। उसका भी नाम प्रथम सूचना पत्र में खोला गया है और उसे भी गिरफ्तार करने की कोशिश किया, लेकिन कल वो भग चुका है और आगे उसको गिरफ्तार करके इसी मामले में न्यायालय पेश कर दिया। पुलिस अब फरार सूरज की तलाश में जुट गई है।